हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जया बच्चन का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। अमिताभ और जया की जोड़ी बॉलीवुड में काफी फेमस है। जया बच्चन एक बेहतरीन अभिनेत्री के साथ साथ एक अच्छी पत्नी, माँ और सास भी है। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर पढ़ें उनके बारे में ये खास बातें। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी के बारे में तो हर कोई जानता है। दोनों के प्यार के कई किस्से आपने सुने भी होंगे। दोनों का अफेयर 70 के दशक में फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुआ था। बिग बी शादीशुदा थे, फिर भी रेखा की खूबसूरती पर वो दिल हार बैठे। उस समय जया बच्चन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सभी रेखा और अमिताभ के प्यार के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि उस समय जया क्या सोच रही थी। जया ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर पर अपना रिएक्शन दिया था। जया ने अपने पति अमिताभ बच्चन का सपोर्ट करते हुए कहा था कि उन्होंने एक अच्छे इंसान से शादी की है। जया कहती है कि वो एक ऐसे परिवार के साथ जुड़ी है जो रिश्ते निभाने में यकीन रखता है। आपको किसी भी बात को लेकर ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं, खासकर इस प्रोफेशन में जहां आपको पता है कि यहां भी कुछ आसान नहीं होता। अगर वो सच में मुझे छोड़कर चला गया तो वो भी कभी मेरा था ही नहीं, ये कहकर जया मुस्कुराती हैं। जया से पूछा गया कि क्या अपने पति के अफेयर की खबर सुनकर आप परेशान हुई थी। इस पर जया कहती हैं कि हम इंसान हैं और रिएक्ट तो करते ही हैं। अगर हम नकारात्मक बात बोल सकते हैं तो सकारात्मक भी बोल सकते हैं। हमें एक बार फिर से सारी चीजें पता कर लेना जरूरी है। समय हर जख्म भर देता है। अगर हम दुखी हैं तो दुखी हैं और खुश हैं तो खुश हैं। अमिताभ और जया ने जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला ले लिया। फिल्म शोले की कामयाबी के बाद 3 जून 1973 को दोनों बंगाली रीति रिवाज से परिणय सूत्र में बंध गए। जया कहती है कि मैंने पहली बार अमित जी को इंस्टीट्यूट में देखा और पसंद करने लगी। मेरे दोस्तों ने कहा कि अमित तो एक स्टिक की तरह लगते हैं। वो काफी दुबले पतले थे मगर उनकी आंखें काफी बड़ी बड़ी थी। मुझे याद है कि अमित को छड़ी कहने पर मैं अपनी सहेलियों से काफी लड़ी थी और कहा था कि वो सबसे अलग है, काफी अलग। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि शायद ये पहली नजर का प्यार था। उसके बाद की मुलाकात गई और मुलाकातों में बदल गई। जया बच्चन ने अपना पत्नी धर्म भी बखूबी निभाया। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। उन्होंने बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक को जन्म दिया और दोनों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अमिताभ, जया बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझते। जया ने बच्चों के साथ पति के करियर को भी अच्छी तरह संभाला। जया बच्चन को उनके बेमिसाल अभिनय के लिए 3 फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और 3 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। साल 2007 में जया बच्चन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्हें साल 1992 में भारत सरकार से पद्मश्री भी मिल चुका है। बच्चन परिवार आज दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लैमरस, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित परिवार है। एक ही परिवार में 4 मशहूर सेलिब्रिटी होने की वजह से बच्चन परिवार अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। सुपरस्टारों से भरे इस परिवार में जया का अपना एक अलग ही स्थान है। जया का राजनीतिक करियर भी उपलब्धियों से भरा है। इस समय वो देश की संसद के उच्च सदन में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर। जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें।